असलकम पी नाइन्थ क्लास हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इसमें हमने लास्ट टाइम अपना टॉपिक पढ़ा था सब लेवल एंड लेवल पढ़ लिया था ठीक है उसमें हमने पढ़े थे बायो एलिमेंट्स पढ़े थे कि सिक्स जो हैं वो हमारे नाइन्टी नाइन परसेंट पॉडी मार्क्स बनाते हैं और बाकी जो टेन हैं ये क्या बनाते हैं पॉइंट वन परसेंट मार्क्स लेकिन ये सिक्सटीन एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं बायो एलिमेंट्स क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं ठीक है आज हम अपना लेवल कौन सा पढ़ेंगे मालिक्यूलर लेवल बेटा देखिए सब अटोमिक लेवल ने मिलकर क्या बनाया अटोमिक लेवल और एटम्स मिलकर क्या बना देंगे मालिक्यूल मालिक्यूल की डेफिनेशन आप यहाँ से करेंगे अ मालिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड डैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ डैट कंपाउंड ठीक है कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है मालिक्यूल होता है अभी देखें बायो एलिमेंट्स रियली डू नॉट अकर हमने जो बायो एलिमेंट्स पढ़े थे सिक्सटीन वो नेचर में आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते हमेशा ठीक है ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर कंबाइन होकर ठीक है कम कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं आयनिक बॉन्ड बनाए हुए थे आपस में या फिर कॉविनेट बॉन्ड ठीक है अब देखें द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग इज कार्ड मालिक्यूल और बायो मालिक्यूल ये बॉन्डिंग बनाते हैं आपस में और फिर क्या कहलाते हैं मालिक्यूल अब देखें एनऑर्गनिज्म इज़ फॉर्म बाई एनॉर्मस नंबर ऑफ़ बाय मालिक्यूल्स ऑफ हंड्रेड ऑफ़ डिफरेंट टाइप्स ठीक है हंड्रेड ऑफ डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल होते हैं एटम्स तो हमने पढ़ते कि सिर्फ सिक्सटीन होते हैं और मालिक्यूल्स कितने हंड्रेड ऑफ डिफरेंट टाइप तीज मालिक्यूल आर द बिल्डिंग मटीरियल एंड दैम सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वायटी एंड कंप्लेक्सिटी ठीक है बॉन्डिंग अरेंजमेंट से बायो मालिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इसकी फिर आप क्लासिफिकेशन की हेडिंग देंगे दो तरह के बायो मालिक्यूल्स होते हैं एक होते हैं माइक्रो मालिक्यूल्स और एक होते हैं मैक्रो माइक्रो का मतलब होता है बेटा सब छोटे ऐसे मालिक्यूल जो छोटे साइज़ के होते हैं माइक्रो मालिक्यूल्स कराते हैं उनका मालिकूलर वेट कम होता है एग्जाम्पल आपने देने ग्लूकोज एंड वाटर की ये माइक्रो हैं और मैक्रो मालिक्यूल्स के होते हैं जिनका मालिकूलर वेट ज़्यादा होता है जैसे कि स्टार्च प्रोटीन और लिपिड्स इसकी एग्जाम्पल है मैक्रो मालिक्यूल्स की ठीक है फिर अब आ जाए ऑर्गेनाइलिज एंड सेल लेवल अब देखिए बायो मालिक्यूल्स होते हैं ना जो इन जानदारों में मालिक्यूल्स पाए जाते हैं वो आपस में मिल के क्या बना देते हैं ऑर्गेनालीज ऑर्गेनालीज क्या होती हैं आपने बेटा एट्थ क्लास में सेल पढ़ा होगा सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ठीक है सेल क्या होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है और उसके अंदर आपने चीज़ें पढ़ी होंगी वो क्या होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे गोलजी बॉडीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स वैक्यूल क्लोरोप्लास्ट ठीक है ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है ऑर्गेनालीज ठीक है हमने पढ़ा एटम मिल के क्या बनाते हैं मालिक्यूल और मालिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे बायो मिलके मिल ठीक है ऑर्गेनालीज़ आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर यानी सेल के अंदर वाले हिस्से होते हैं ये ऑर्गेनैली की डेफिनेशन है एंड वेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ डेट इज सेल आर फॉर्म्ड ये सारी बेटा यहाँ से यहाँ तक किसकी डेफिनेशन आएगी ऑर्गेनाली की ठीक है क्या होते हैं ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर पाए जाते हैं और ये जब आपस में असेंबल होते हैं तो क्या बना देते हैं सेल बना देते हैं और फिर आप ये सेल की डेफिनेशन ये लिखेंगे सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है और ये किससे बनता है ए, सेल ऑर्गेनैलीज के आपस में असेंबल होने से अब सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइल होते हैं उनका सबका अपना अपना डिफरेंट फंक्शन होता है ठीक है ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइलिज इज स्पेलाइज टू परफॉर्म आर स्पेसिफिक फंक्शन फॉर एग्जाम्पल माइट्रोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है आर स्पेशलाइज फॉर सेलुलर एस्परेशन राइबोसोम का क्या फंक्शन है प्रोटीन सेंथिसिस ठीक है ये आपने हेडिंग्स के साथ लिखना है बेटा यानी फंक्शन ऑफ अ सेल आर प्रीन बाय स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल ठीक है यानी सेल के अंदर हर ऑर्गेनाइजी का अपना काम है और अपना अपना काम वो कर रहे होते हैं अब आपने ये हेडिंग देनी प्रोक्रियस और मोस्ट प्रोटिस्ट ये क्या होते हैं प्रोक्रियस और बेटा ये सारा इनका जिसम जो है वो सिंगल सेल पर कंसिस्ट करता है फंजाई और ऑल एनिमल एंड प्लांट कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ठीक हो गया ये आपने हेडिंग्स के साथ पिटाई करना है फिर उसके बाद आ जाता है टिश्यू लेवल यानी एक जैसे सेल्स मिलके टिशू बनाते हैं एक जैसे सेल से क्या मुराद है सिमिलर सेल से क्या मुराद है ऐसे सेल जो एक जैसे काम करते हो परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन वो क्या कहलाते हैं सिमिलर सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गनिज्म मल्टी सेलुलर क्या होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल पर मिल से मिल के बने हों एक से ज़्यादा सेल पर कंसिस्ट करते हों वो क्या कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिमिलर सेल एक जैसे सेल्स आर ऑर्गेनाइज इंटू ग्रुप्स कारिशू ये टिशू के टिश्यू की सॉरी आगे बेटा डेफिनेशन ठीक है वी कैन डिफाइन आर टिशू टिश्यू की यहाँ से डेफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन ठीक है ऐसे एक जैसे सेल जो आपस आप में जुड़ जाएं एक सेम फंक्शन के लिए कॉमन फंक्शन के लिए वो क्या कहलाएगा टिश्यू ईच सेल इन अ टिश्यू का ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेस ठीक है हर कोई अपना अपना प्रोसेस कर रहा होता है लेकिन सारे मिलके के टिश्यू के लिए भी काम कर रहे थे अब इसके एग्ज़ैम्पल्स की यहाँ पे हेडिंग देंगे प्लांट्स में इसकी कौन कौन सी एग्ज़ाम्पल्स हैं टिशू के एपिडर्मल टिशू हैं ग्राउंड टिशू हैं और एनिमल्स में इसकी फिर हेडिंग देंगे एनिमल में इसकी कौन सी एग्जाम्पल्स हैं नर्वस टिशू एंड मस्कुलर टिशू तो बेटा आज हमने तीन लेवल पढ़े कौन से मालिकुलर लेवल ऑर्गेनाइज एंड सेल लेवल और टिशू लेवल ठीक है ये हमारे चार लेवल टोटल कंप्लीट हो गए हैं ये आप लोगों ने अच्छे से लर्न करने